सूरजपुर पुलिस ने नवीन कानून की जानकारी से मीडिया को कराया अवगत। 1 जुलाई से देश भर में नए आपराधिक कानून अमल में आ चुका है। इन कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन विभिन्न पहलुओं से मीडिया को अवगत कराने एवं जन जन तक नए कानूनों की जानकारी पहुंचाने के लिए व्यापक रूप से प्रचार प्रसार किया जा रहा है। कलेक्टर सूरजपुर रोहित व्यास, उप पुलिस महानिरीक्षक वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक MR आहिरे के द्वारा गुरुवार 11 जुलाई 2024 को पत्रकारों को नए कानून के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए इस विषय पर चर्चा किया गया। इस दौरान कलेक्टर रोहित व्यास ने कहा कि 1 जुलाई से नवीन तीनों कानून के तहत कार्य किए जा रहे हैं। पुराने कानून की जगह अब नए कानून लागू हो चुका है, उसकी जानकारी समस्त लोगों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी हम सभी की है। इसमें प्रमुख रूप से मीडिया की अहम भूमिका जुड़ी है। आज अधिक से अधिक संख्या में लोग सोशल मीडिया समाचार पत्रों को पढ़कर जागरूक हो रहे हैं, इसकी गति को और तेज करने की आवश्यकता है। उन्होंने सभी को इस दिशा में सहयोग करने की अपील की। उप पुलिस महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सूरजपुर MR आहिरे ने नए कानून के बारे में जानकारी देते हुए कहा, नए कानूनों में ऐसे बहुत से प्रावधान हैं जो पुलिस को पहले से ज्यादा ताकतवर बनाती है। मसलन, पुलिस अब आरोपी को 90 दिन तक हिरासत में रख सकती है। पहले यह अवधि 15 दिन की थी। पुलिस का प्रमुख काम अपराध होने से पहले ही रोकना और कानून व्यवस्था बनाए रखना है। BNSS के चैप्टर 13 के सेक्शन 173 में प्रावधान है कि पुलिस अधिकारी को किसी संगीन मामले की शिकायत मिलने पर प्रथम सूचना पत्र लिखने से पहले अपने सीनियर ऑफिसर से अनुमति लेकर 14 दिन की प्राथमिक जांच करनी होगी। यानी पुलिस अधिकारी को 14 दिन का समय मिलेगा जिसमें वो तय करेगा कि मामले में प्रथम दृष्टा केस बनता है या फिर नहीं। प्रत्येक दिवस पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किए गए लोगों की जानकारी सभी थाना चौकी और पुलिस कंट्रोल रूम के नोटिस बोर्ड में चस्प किए जाने के बारे में बताया गया। उन्होंने नवीन तीनों कानून के विभिन्न पहलुओं से अवगत कराते हुए कहा कि समाज के सभी वर्गों तक नए कानून की जानकारी पहुंचाने में सहयोग करें। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संतोष महतो ने बताया, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत जांच के दौरान पुलिस किसी भी आरोपी को उसके डिजिटल डिवाइस दिखाने और उन्हें सौंपने के लिए बाध्य कर सकती है। नए कानूनों में इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल डिवाइस यानी मोबाइल, स्मार्टफोन, लैपटॉप आदि को सबूत के तौर पर परिभाषित किया गया है। BNSS के सेक्शन 94 के मुताबिक किसी मामले की जांच, पूछताछ या ट्रायल के दौरान अदालत या थाना प्रभारी किसी व्यक्ति से डॉक्यूमेंट्स, कम्युनिकेशन डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या डिजिटल डिवाइस पेश करने के लिए समन या आदेश भी जारी कर सकता है। AGOP सूरजपुर नंदिनी ठाकुर ने नए कानून के तहत जांच करने की शक्ति के बारे में बताया और कहा, पुलिस को किसी मामले की जांच करने का अधिकार प्राप्त है। पुलिस मामले से जुड़े सबूतों, बयानों और वस्तुओं को भी इकट्ठा कर सकती है। साथ ही न्यायालय पुलिस को मामले की जांच करने के लिए आदेशित कर सकते हैं। BNSS में इसका जिक्र चैप्टर 13 के सेक्शन 173 से लेकर 196 तक किया गया है। BNSS के सेक्शन 43(3) के तहत पुलिस अधिकारी अपराध की प्रकृति और गंभीरता को ध्यान में रखते हुए किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करते समय या किसी ऐसे व्यक्ति को अदालत में पेश करते समय हथकड़ी का इस्तेमाल कर सकता है।